रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां विपक्षियों पर कसा तंज। बरहज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्र उर्फ शाका बाबा के समर्थन में भलुवानी के ज्ञान प्रकाश सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में जनता को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है और कहा है कि इन दलों के हाथों में भ्रष्टाचार की कालीख पुती हुई है। रक्षा मंत्री ने राजीव गांधी की बात कहते हुए बताया कि राजीव जी कहा करते थे कि हम केंद्र से 1 रुपये भेजते हैं जिसमें 85 पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अब देश की जनता का हक उन्हें ईमानदारी से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी विकास के पथ पर आगे चल रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था 2017 में 11 लाख करोड़ रुपए की थी जबकि 2022 में 31 लाख करोड़ रुपए की है। यह अर्थव्यवस्था आकार ले चुकी है। आयुष्मान कार्ड की चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में इस प्रकार की कोई योजना नहीं मिलेगी। उन्होंने चुनावी एजेंडा की चर्चा करते हुए कहा कि होली व दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के तहत 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। महंगाई पर कहा है कि हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, 6 माह में इस पर पूरा नियंत्रण पा लेंगे। विश्व में भारत का सर ऊंचा हुआ है। आज भारत जब बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत पर कोई आंख उठाएगा तो हम उसके घर में घुसकर मारेंगे। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, देश व समाज बनाने के लिए करते हैं। हमने डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की खूब खिंचाई की और कहा कि समाजवादी पार्टी की गुंडई खत्म हो गई है, प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है। इस दौरान उन्होंने दीपक मिश्र उर्फ शाका को जिताकर विधानसभा में भेजने की अपील की। और मुझे याद है कि राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो एक बार चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि क्या करें, हम 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बावजूद 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह लाचारी व्यक्त की थी राजीव गांधी। मेरे भाइयों, मैं राजीव गांधी जी हूँ, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हूँ, इंदिरा जी हूँ, मनमोहन सिंह जी हूँ, देवगौड़ा जी हूँ, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हूँ, मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की है और न मैं प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री व्यक्ति ने शुद्ध जल उसके बारे में भी वैज्ञानिक हमारे यहां विचार कर रहे हैं ताकि जल की शुद्धता रखा वो बिगड़ गया। देखो छोटी बात नहीं, एक आयुष्मान भारत कार्ड था। आयुष्मान भारत कार्ड सबको नहीं मिला होगा, गरीबों को कुछ लोगों को मिला होगा, यहां बताइए कुछ लोगों को मिला, जिनको मिला है ठीक है, 25-30 लाख गंगा राज सब खत्म और राम राज। हमारे रामराज का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, हमारे रामराज का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। रामराज उसे कहते हैं जहां पर सज्जनों को कोई भय न हो और दुर्जनों की कोई खैर रामराज। दुर्जन दंडित किए जा रहे हैं, सज्जनों को कोई भय नहीं है, इसी को तो रामराज है। यहां पार्टी जैसे लोग हमारे देश की सेना के जवानों की शौर्य पराक्रम साहस और सवालिया निशान लगाते हैं बहनों भाइयों, तो उसमें वेदना होगा, पीड़ा होगा। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि लद्दाख में भगवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें चीन के बहुत कम जवान मारे गए, ज्यादा जवान भारत के मारे गए। देश का रक्षा मंत्री होते हुए भी मैंने कभी इसका खुलासा नहीं किया कि चीन के कितने लोग मारे गए, भारत के कितने लोग मारे गए, क्योंकि इन सब सारी बातों का यदि प्रधानमंत्री बोले रक्षा मंत्री बोले एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका इसको किस रूप में लिया जाएगा, क्या होगा, इसलिए नहीं बोला। कोई कह सकता है कि तो भारत की यात्रा, कोई कुछ कह सकता है, हम लोगों ने सोचा और उन्होंने कह दिया कि चीन के 3-4 मारे गए और भारत के बहुत मारे गए। बहन भाइयों, जिस दिन उन्होंने कहा था उसके एक दिन आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया में एक अखबार, उसमें खोजी पत्रकार ने पूरी छानबीन करने के बाद ये लिखा कि
भारत और चीन के बीच जो लद्दाख में संघर्ष हुआ था उसमें चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए थे मेरे भाई जवान। सबसे कम रुपये 2 रुपये 3 रुपये दर या 4-5 रुपये जो भी होगा उस दर भोजन मुहैया कराया जाए। और 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपया का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जो सिर्फ न्यूनतम ब्याज दर। और हर गरीब बेघर को एक पक्का मकान मिलेगा और आवासीय पट्टे की भूमि मिलेगी। ठीक है,